आपका और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरिया के चिरमिरी गांव की, जहां FECCL के तहत कोयले का उत्खनन किया जाता है, जिसकी वजह से इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और अन्य गैसों का रिसाव होता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। दरअसल ये प्रावधान है कि उत्खनन के बाद मिट्टी को समतल करके वहां पेड़ लगाए जाए, लेकिन FECCL प्रबंधन इसका समतलीकरण नहीं करता, जिसकी वजह से जमीन में दरारें हो रही हैं और जिनसे गैस का रिसाव हमेशा होता रहता है, जो इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसे रोकने के लिए FECCL प्रबंधन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। एटमॉस्फेयर के आजू बाजू कोई सपोज आ गया, कोई मानव आ गया या कोई जानवर आ गया, तो उससे उसके प्रभाव बेहोशी एवं ब्रेन को डेट कर सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश कुमार जुड़ गया है। दिनेश, लगभग कितना समय हो गया है जब से ये गैस का रिसाव यूं ही जारी है और लोगों के साथ साथ जीव जंतु भी इससे परेशान है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये FECCL की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और ये अभी की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से इस तरह की जहरीली धुआं वहां से निकल रही है। ये जो धुआं गैस रिसाव हो रहा है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। कई बार हमने इसको चैनलों में भी दिखाया, लेकिन इस पर FECCL की इतनी लापरवाही है कि इस पर कुछ सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। जी दिनेश, आपके जिम्मेदारों से भी कुछ बात हुई थी, उनका क्या कुछ कहना है कि क्या वजह है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि चिरमिरी FECCL क्षेत्र में एक बंद खदान है और एक खुली खदान है। बंद खदान का ये रहता है कि वो अंडर माइंस रहती है, लेकिन जो खुली खदानें होती हैं उसका नियम ये है कि उस पर कुछ मिट्टी समतलीकरण करके उसमें पेड़ लगाए जाए। न कि पेड़ लगाते हैं, न उसे समतलीकरण करते हैं, और जिसके कारण जो खदान रहती है अंदर से लीकेज हो जाती है और वहां से धुआं निकलता है। जी चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में RTI कार्यकर्ता जुड़ गए हैं, राजकुमार मिश्रा। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। जी, कोरिया से मामला सामने आया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे लगता है आपके संज्ञान में होगा ये मामला कि कई वर्षों से गैस का रिसाव हो रहा है, बावजूद इसके जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ के लोग तो सही और साथ ही जो जीव जंतु है वो भी परेशान है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने इस तरह के संवेदनशील मुद्दा को उठाने के लिए हार्दिक धन्यवाद आपका। जी देखिए, हमारा क्षेत्र FECCL को लीज पर दिया गया है कोयला निकालने के लिए। जी कोयला निकालते समय ये लोग चूहे का बिल बनाकर कोयला निकालते हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। कोयला चूंकि ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें आग लग जाती है और सतह को तोड़ के वो धुआं बाहर निकलता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और वो बेहद जहरीला है। ऑलरेडी इसको खूनी गैस के नाम से जानती है निकलने वाले गैस को। राजकुमार जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में विधायक जी जुड़ गए हैं, विनय जायसवाल। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। जी, कोरिया से मामला सामने आया है, जहां FECCL की बड़ी लापरवाही सामने आई है, वहां के लोग गैस रिसाव से काफी वर्षों से परेशान हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से जो मरेनगढ़ विधानसभा में जो मेरा क्षेत्र है, चिमरी एरिया है, जो लगभग 100 साल से ज्यादा इस क्षेत्र को हो गए हैं, जो देश को ऊर्जा के रूप में कोयले की लगातार अनवरत सप्लाई कर रहा है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं FECCL का अच्छा प्रबंधन नहीं होने की वजह से, FECCL के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से, FECCL के जो लोग हैं उनके अकर्मण्यता की वजह से, जो ओपन कास्ट है उसको पूरा खाई बना दिया गया है और पहाड़ रेत का जो है, मिट्टी का जो है, बड़े बड़े टीले बना दिए गए हैं। इसके अलावा जो बेतरतीब जहाँ कोयला जहाँ से उत्खनन किया गया है, नीचे लगातार वर्षों से फायर एरिया, वहाँ बहुत सारे फायर एरिया है। जी, ये लापरवाही तो है ही, ये हम सब जानते हैं, पर आप वहाँ के विधायक हैं, आपके द्वारा इसको लेकर अभी तक क्या कुछ पहल की गई है? देखिए, लगातार हमने इसलिए आंदोलन भी किया है, लगातार हमने कोल मिनिस्ट्री को पत्र भी लिखा हुआ है, इसके लिए जो इनके CMD होते हैं उनसे बात भी की है कि जो एक रूल नियम होता है कि आपने अगर उस जगह की ज्योग्राफी को बिगाड़ा है, उस जगह की भूमि का जो संगठन है उसको खराब किया है, तो उसको आप वहाँ क्लेन करके उसमें सतह में जो पेड़ है उसको प्लांटेशन करके वापस करिए।
लेकिन कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विनय जी, आपने कहा कि इसको लेकर आप कई बार आंदोलन कर चुके हैं, फिर क्या कुछ वजह रही कि जो समस्या है उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ? निश्चित रूप से इसके ऊपर में हमने फिर पत्र लिखा है और केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया है कि इसके ऊपर हमको मैंने अभी एक अभी जो पिछला जो हमारा सत्र हुआ था विधानसभा का छत्तीसगढ़ का, उसमें मैंने एक शासकीय संकल्प भी पास कराया था कि ऐसे जगहों के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें जिससे यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के जमीन को, यहाँ जो दोहन हुआ है, कोयले का दोहन हुआ है, और यहाँ के रहवासियों के अच्छे आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए इतना हमको कंपनसेशन के रूप में या उसको विशेष दर्जा देते हुए ये इन क्षेत्रों को मिलना चाहिए, माइनिंग एरिया को मिलना चाहिए जहाँ आज कोयला खत्म हो रहा है, और इसके लिए शासकीय संकल्प पास भी हुआ है राज्य के विधानसभा से। निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्र सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हमारी करने की योजना है, जिससे जो इन जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है केंद्र की सरकार, वो जगे और इन क्षेत्रों का भी सुध ले जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं लाखों करोड़ों अरबों का कोयला देने के बाद भी। चलिए, आपका विनय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। राजकुमार मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपने सुना सारा के सारा जो ठीक रहा था वो केंद्र सरकार पे फोड़ दिया। विधायक खुद कह रहे हैं कि कई बार गुहार लगा चुके हैं पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जी जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसका बेसिक स्ट्रक्चर। जो जमीन से के अंदर से जो कोयला आग लगने के कारण से जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कॉलरी इसको खूनी गैस बोलती है। आज का हमारा कार्यक्रम जो है, आपका कार्यक्रम मुझे लगता है कि इसी संबंध में है। देखिए, ये आपको हो सकता है कि 2 मिनट बाद आप मेरे को जिंदा पा रही हैं और बात कर रही हैं, 2 मिनट बाद मैं ना रहूं या हमारे क्षेत्र ही डूब जाए। एक्चुअली हम लोग बारूद के ढेर पर खड़े हैं जी, और कभी भी ये बारूद ज्वालामुखी की तरफ फट सकता है और पता नहीं कितने जनधन की हानि होगी इसमें। निश्चित रूप से विधायक जी क्योंकि कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है जी। चूंकि ACCL केंद्र सरकार का उपक्रम होता है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का होता है, इसलिए ACCL की भी जिम्मेदारी है इसमें। लेकिन पर राजकुमार जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो अभी भी बस राजनीति ही कर रही है, और जो उसका खामियाजा है वो सिर्फ वहाँ के स्थानीय जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो पूरी समस्या है इसका निराकरण जल्द से जल्द होगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।